साथियों, इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। हम इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाओं को बड़ी भूमिका है। आज भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में 60% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं के कितने ही कोऑपरेटिव्स आज इस सेक्टर की ताकत बने हुए हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव्स की मैनेजमेंट भी महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़े। इसके लिए हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में विमेन डायरेक्टर्स का होना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सोसाइटीज को और इंक्लूसिव बनाने के लिए वंचित वर्गों के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। साथियों, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में भारत के एक बहुत बड़े मूवमेंट के बारे में भी जरूर सुना होगा। विमेन पार्टिसिपेशन से, विमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत बड़ा आंदोलन है। आज भारत की 10 करोड़ यानी 100 मिलियन महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स हैं। बीते एक दशक में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए, इन्हें 9 ट्रिलियन रुपीज का सस्ता लोन दिया है। इससे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने गांवों में बड़ी वेल्थ जनरेट की है। आज दुनिया के कितने ही देशों के लिए ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा मॉडल बन सकता है।